अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जैनब ब्लॉग से जैनब। आज बना रही हूँ मैं मूंगी मसूर की दाल। मूंगी मसूर की दाल ली है मैंने, जितनी क्वांटिटी में मैंने बनानी थी। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटो, थोड़ा सा प्याज, लहसुन, हरी मिर्चें, जीरा मसाले में, और गोल लाल मिर्चें हैं। इसके अलावा सूखा धनिया, हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद मैंने दाल को भिगो दिया। अब मैंने दाल को भिगो दिया था, 5-7 मिनट हो गए इसको भिगे हुए। ये जल्दी गल जाती है। मैंने प्रेशर ऑन कर दिया है, प्रेशर में बना रही हूँ। प्रेशर में सिर्फ ये 5-7 मिनट में ये नहीं पक जाती है बिल्कुल। अब मैं इसको दाल को डाल रही हूँ प्रेशर के अंदर। अब प्रेशर में दाल डाल दी है, इसको इतना इसके ऊपर रखेंगे कि जितना ये भीग जाए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी सारी सब्जियां। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर, आपने इसके अंदर टमाटर डालने हैं। लोग इसके अंदर ज्यादातर से लहसुन से डाल के बनाते हैं। अगर आप इसके अंदर लहसुन, प्याज, एक छोटी प्याज है जिसको मैं काट के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और इसके अंदर मैंने टमाटर डालने हैं। आप इसका फ्लेवर भी देखिएगा कितना अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून हल्दी। ये सब कुछ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ये मैंने कटा इसके साथ ही मसाला इधर रखा था, ये मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इसको बनाने में, ये 5-7 मिनट में गल जाती है। क्विक जो हंडिया होती है, आप इसको यही 5-7 मिनट में आपको ये रेडी हो जाती है दाल, और आपका खाना 10-15 मिनट में रेडी हो जाता है। मैं इसको प्रेफर करूंगी प्रेशर कुकर में बनाने के लिए, और अभी मैं इसको प्रेशर लगा रही हूँ, और जब ये रेडी हो जाती है 5 मिनट दिखा दो। मैंने दाल को दम लगा दिया है। अब दम लगाने के बाद प्रेशर मैंने ऑन कर दिया है, प्रेशर की सीटी बजेगी। 5-7 मिनट बाद मैं इसको बंद करूंगी। इसके बाद मैं अब इसके अंदर राइस अपने बनाऊंगी, जो मैं आम रूटीन में जो बनते हैं वाइट राइस होते हैं, इसके साथ मैं वो बनाऊंगी। साथ में बनाऊंगी चटनी और साथ में सैलेड। चले मैं बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है चटनी बनाने के लिए धनिया, पुदीना, टमाटर और ग्रीन मिर्ची, जो चिली होती है। मैंने आपको बताया था मैं धनिया लेती हूँ उसकी डंडियों के साथ, क्योंकि इसके अंदर इसकी खुशबू सारी डंडियों में होती है। यहाँ पर मैंने डाल दिया है धनिया। धनिया में डाल रही हूँ नमक मैंने यहाँ इसलिए ऐड किया है कि ये जल्दी ग्राइंड हो जाता है और मुझे पानी की यानी ज़रूरत कम पड़ेगी। इसके बाद मैं बीच में डाल रही हूँ टोमेटो, और इसके बाद मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची। यहाँ इस स्टेज पर मैं इसको आपको ब्लेंड कर दूंगी और इसको ब्लेंड करके बता दूंगी। अब यहाँ पर ये रेडी हो गई है चटनी। चटनी की शक्ल आपको नजर आ रही होगी, बहुत खूबसूरत। और अब ये यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गई है। इसका टेक्सचर चेक करें, बहुत अच्छा है। जब ये राइस के ऊपर डलेगा तो इसका फ्लेवर जो आपको आएगा उसका आइडिया आपको ही होगा। मैं तो खाऊंगी तो आपको टेस्ट, आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन मैं खाऊंगी तो खुद ही ट्राई करूंगी, और आप खाएंगे तो जरूर मुझे बताइएगा। अब मैंने इसके ऊपर राइस रख दिए हैं बॉइल होने। राइस बॉइल होते हैं, फिर मैं आपको ऑयल, मैंने अब एक पैन में ऑयल ले लिया है तड़के के लिए। इसको मैं तड़का लगा रही हूँ प्याज का। इसको तड़के में प्याज लगाएं, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। अब यहाँ पर ये फ्राई हो रहा है, जब तक ये भी ब्राउन होता है तो फिर इसके अंदर बाकी को इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। ये एक डिफरेंट किस्म की दाल होती है जिसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है, आपको उसके टेस्ट में अंदाजा हो जाएगा। अब ये यहाँ पर फ्राई हो रहा है, अब इसकी कलर चेंज होना शुरू हुआ है। जैसे इसका कलर ब्राउनिश आता है मैं इसके अंदर जीरा, गोल लाल मिर्च, ग्रीन मिर्च, हरी मिर्च होती है, और साथ में इसके जीरा डालकर इसको भूनूंगी 1 सेकंड के लिए, ताकि ये जले ना, बस इतना कि ये जले ना।
जब ये जलना शुरू हो जाए ना तो इसका फ्लेवर खराब हो जाता है। आपने तड़के को लास्ट में जब लास्ट रह जाए ना तो फिर आपने इसके अंदर जीरा और वो डालना है। यहाँ पर अब ये फ्राई होना शुरू हो गया बिल्कुल अपनी जैसी, मुझे कलर चाहिए इसका, उस कलर में आने लग गया है। ये थोड़ा सा और फ्राई होगा। मैंने राइस बना दिए हैं, व्हाइट राइस बॉईल किए हैं। जैसे आप लोग अक्सर अपने घरों में व्हाइट राइस बनाते होंगे, आप सबसे पहले जो पानी लेते हैं, पानी में सॉल्ट के साथ उसको बॉईल कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद आप उसके अंदर राइस डाल के गला लेते हैं और उसकी पीछ उतार लेते हैं। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ, इसका कलर आ गया है, चेंज हो गया है। यहाँ इस स्टेज पे मैं इसके अंदर अभी ये इंग्रेडिएंट डालूंगी जो रह गए हैं। आपने मिर्ची में कट लगा देना है क्योंकि इसके अंदर सो जो इसका होता है ये आपकी आइस पर भी जा सकता है। मैंने इसके अंदर जीरा, रेड मिर्च और वो भी डाल दी है। अब यहाँ बस इसको मैंने एक सेकंड के लिए हिलाया और ये मैं अब यहाँ पर तड़के के अंदर डाल देती हूँ। तड़का डाल के अंदर यहाँ पर दाल में से ये इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका फ्लेवर और ही एनहांस होता है। जब हम छोटे होते थे तो हमारी मम्मा ऐसे करती होती थी, इसको से याद है। ठीक है, दाल की शक्ल आप देख लें, मैं इसको डिश आउट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। धनिया डालूंगी लास्ट में और दिखाती हूँ। यहाँ पर इसको थोड़ा सा बॉयल आएगा क्योंकि ये अब थोड़ी देर में ठंडी हो चुकी है। मेरा खाना इस टाइम रेडी हो गया है और अब ये वाइट राइस है जो मैंने इसके साथ दाल के साथ सर्व करने हैं। चटनी है, साथ में सैलेड है। और इसकी रेसिपी देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अब मैं खाना खाऊंगी इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अल्लाह मियाँ आपका हामी नासिर, अल्लाह मियाँ हम सबको खुश और आबाद रखें, सबके लिए अच्छी अच्छी दुआएं करें। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।